हाउ टू गेट ब्लैक टिक ऑन फेसबुक, फेसबुक पर ब्लैक वेरिफिकेशन बैच कैसे लाएं। आप सभी प्रूफ के साथ देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसी आईडी के ऊपर जो है इस वेरिफिकेशन बैच को लेके आ चुका हूं एंड इसी के ऊपर अप्लाई करने वाला हूं। एंड ये जो है आईडी मेरे दोस्त की एंड इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। कैसे आप यहाँ पे ब्लैक टिक को गेट कर पाएंगे, काफ़ी लोग यहाँ पे इस समय अपनी आईडी के ऊपर एक ब्लैक कलर का जो है यहाँ पे एक सिंबल आता है जिसको हम वेरिफिकेशन बैच बोलते हैं, वो कैसे आप गेट करेंगे। तो मुझे कमेंट भी आया कि भाई आप प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो लाएं कि हम अपनी आईडी के ऊपर ये चीज़ कैसे गेट कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है एंड काफ़ी मज़ा आता है अपनी आईडी के ऊपर ये बैच देखकर, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक को आपने फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से नहीं होता है। वैसे ही बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी जो ये आई थिंक किसी अदर कंट्री में आया हुआ है, बट कैसे आप सभी अपनी आईडी के ऊपर इस ब्लैक वेरिफिकेशन बैच को अप्लाई करेंगे जो कि काफ़ी ऑसम लगता है देखने में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, आपने इसको फॉलो करना चालू करना है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार चैनल पे हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपका भाई ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन डेफिनेटली रिसीव हो। चलो अब बढ़ते अपने मेन टॉपिक की तरफ कि कैसे आप यहाँ पे इस वेरिफिकेशन बैच को लेंगे, ठीक है। ब्लैक कलर का आता है, ठीक है, इसको आपने कैसे करना है गेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मली अपनी जो फेसबुक एप्लीकेशन है इसको आपने ओपन करना है। चलो मैं आपको यहाँ पे बताना चालू करता हूँ, ये रही हमारी फेसबुक एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप इस वाली फेसबुक एप्लीकेशन को यहाँ पे सबसे पहले जाओ, इस तरीके से प्ले स्टोर को ओपन कर लो एंड यहाँ पे जस्ट एक बार मेक श्योर कर लो कि आपका फेसबुक जो है लेटेस्ट वाला, इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। तो यदि कोई अपडेट आई हुई है तो प्लीज़ एक बार इसको अपडेट कर लेना, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको ओपन कर लो। तो हमारे जो फेसबुक एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी अप टू डेट ही है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद भाई लोग आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस मिल जाती है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको तीन लाइंस के ऊपर क्लिक करना है, ये वाली आप कॉर्नर में जैसे ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको सेटिंग्स का आइकन मिल जाता है ये वाला, तो यहाँ पे सेटिंग्स के आइकन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आईडीज देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक आप इसको बैक करें तो गाइस यहीं पे आपको जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल, जो कि आप सभी यहाँ पे टॉप पे देख पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल करके देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको आपकी आईडी देखने को मिल जाएगी फेसबुक की एंड यहाँ पे आपको प्रोफाइल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी फेसबुक की आईडी होंगी वो यहाँ पे शो करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जिस भी आईडी के ऊपर आपने ये वाली चीज़ को गेट करना है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे नेम पे क्लिक करना है। जैसे आप नेम के ऊपर क्लिक कर देंगे आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी नेम है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से नेम है, तो आपको लास्ट नेम के ऊपर क्लिक करना है। अब लास्ट नेम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस डालना है। डालने के बाद तो गाइस यहाँ पे स्पेस डालने के बाद अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका भी यहाँ पे वेरिफिकेशन बेज जो है लग जाए। तो नॉर्मली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखना चालू करें, जस्ट यहाँ पे ये वाली। तो गाइस अब आपको क्या करना है, बैक कर दें। बैक करने के बाद आप अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर चले जाएँ। चले जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लें। बेसिकली आप जो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ही ओपन करना, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक का पेज बैकग्राउंड में ओपन रहने दो, उसको क्लोज मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार मिल जाएगा। सर्च बार पे आपको क्या टाइप करना है, ये देखो आपको ये टाइप करना है इस तरीके से, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही गाइस आप सभी यहाँ पे सर्च बार को ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र का, आपको टॉप पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है ब्लैक टिक। इस तरीके से मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ब्लैक टिक टेक्स्ट, जी हाँ दोस्तों आपको यही लिखना है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, आप सभी चेक करें क्या लिखना है, ब्लैक टिक टेक्स्ट, ठीक है। जैसे आप लिख देंगे उसके बाद दोस्तों आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप सभी चेक कर पाएंगे कि आपको यहाँ पे एक टॉप पे वेबसाइट मिल जाएगी जो कि है फिलिप, यहाँ पे आई थिंक फिल लैप, ठीक है, फिल ऐप करके .com करके जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, टॉप पे वेबसाइट आएगी, ठीक है, आपको कहीं पे भी नहीं जाना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसके ऊपर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आप सभी चेक करेंगे, आपको इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाले आइकन के ऊपर आपको करना है क्लिक, ये वाला देखो जहाँ पे वी बना हुआ है, ठीक है, आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करें। फिलहाल मैं आपको वी वाला सजेस्ट करूँगा, वी वाले पे क्लिक करें। चाहे तो आप यहाँ पे सर्कल आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, बट वी वाला ज़्यादा बेटर लगता है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको टॉप पे जो है यहाँ पे आइकन आ जाता है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मैं एरो कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको एक बटन आ जाता है कॉपी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप कॉपी करेंगे ये आपका जो है कॉपी हो गया। कॉपी हो जाने के बाद आप बैक कर दो। अब दोस्तों आपको वहीं पे चले जाना है जहाँ पे आप नेम एंड लास्ट नेम लिखा हुआ था, ठीक है, लास्ट नेम पे आप चलो क्लिक। तो गाइस आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे लास्ट नेम जो आपको लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक बार स्पेस देकर एंड यहाँ पे इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ पे इस तरीके से आपको पेस्ट का बटन मिल जाएगा, जैसे आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे ना, इस तरीके से उंगल दबा के रखेंगे, यहाँ पे आपको पेस्ट का बटन मिल जाएगा, ये देखो। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से वी बन के आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको जो है
इस तरीके से यहाँ पे इसको सेव कर देना है, क्लिक कर दो रिव्यू चेंज पे। एंड जैसे ही सिलेक्ट कर दोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपडेट हो चुका है। बैक करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कमाल की चीज़ जो कि यहाँ पे आपको काफ़ी परेशानी के बाद आप लगा पा रहे थे, बट अब आप इसको बिना इस तरीके से भी लगा पाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से रिफ्रेश कर देता हूँ एंड जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपको मैं इस तरीके से देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो हमारा ये बैच आ चुका है जो कि, तो गाइस कुछ इस तरीके से आप सभी यहाँ पे वी लगा सकते हैं जो कि काफ़ी ऑसम लग रहा है। आप ये मत कहना कि भाई हमें वैसे ही चाहिए था, बिल्कुल ये सेम लग रहा है वी मतलब VIP करके जो ये लग जाता है बैच जो कि काफ़ी ऑसम लगता है। दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुश्किल तरीके से आपको बताया होगा बट मैंने आपको सबसे ईजी तरीके से बताया कि कैसे तुम यहाँ पे वेरिफिकेशन बैच जिसको हम ब्लैक टिक बोल रहे हैं अपनी फेसबुक पे गेट कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की सिंपल ट्रिक पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।